हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संगीता केमिकल स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जहां पर आप लोग को यहां पर इसका क्वार्टर का रिजल्ट के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट वो डिक्लाइन हुआ, जो कि 91.43% का यहां पर निगेटिव में, जो कि एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट्स है। तो मैं आप लोग को इसका जो अभी का जो क्वार्टर का रिजल्ट वो प्रीवियस क्वार्टर से मैं आप लोग को कंपैरिजन करके बताता हूं। पर दोस्तों, आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्वार्टर का रिजल्ट में, चाहे आप लोग को मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बोलूं, चाहे आप लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चाहे नेट प्रॉफिट के बारे में बोलूं, तो आप लोग को कम ही देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, जो कि एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। और नेक्स्ट, अगर मैं आप लोग को इसका बैलेंस शीट के बारे में बोलूं, तो यहाँ पर जो रिजर्व्स वो आप लोग को बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। और जो बोरोइंग्स वो भी थोड़ा सा घट गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो क्वार्टर में, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बात है। तो रिजर्व्स और बोरोइंग्स में से मुझे बैलेंस शीट में अच्छा लगा, पर इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, जो कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो नेक्स्ट, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसका कैश फ्लो बोलूँ, तो वो जीरो में है। तो कैश फ्लो जीरो में होना, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। पर दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है, जो कि इसका जो मार्केट कैप वो आप लोग को 38 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में जब भी थोड़ा सा राइज हो, थोड़ा सा जो इसका जो मार्केट कैप बढ़ जाए, तो तब ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आप लोग को इसका वोट बैंक या फिर इसका जो प्राइस टारगेट आप लोग को चाहिए अच्छी तरीके से, तो मुझे कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए वो वीडियो आप लोग को अपडेट मिल सके। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।